आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से आपकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, यह है नांगल सिरोही से कोथल रोड की तस्वीरें, जहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं खातीवास मोड़ के पास। और वहां कुछ दिन 5 या 7 दिन पहले ब्रेकर बनाए गए थे, वो बिल्कुल टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, रोड़ी बिखर चुकी हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की आशंकाएँ और बढ़ गई हैं, जिससे बाइक फिसल सकती है। तो इस संबंध में भावी उम्मीदवार पारुल राव जी और उनके पति श्री यशवंत राव जी पहुँचे एक्शन साहब के ऑफिस में, और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की कि किस प्रकार से ये बनाए गए थे और अब एक हफ्ते के अंदर अंदर टूट गए, अब इनका क्या हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बातचीत की, किस प्रकार से क्या कुछ बताया, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो को साथ। जी मैम, जिस प्रकार से आपने देखा ब्रेकर यहाँ पे बनाए गए थे, आज उन ब्रेकरों का क्या हाल है आपने देखा, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी, ये ब्रेकर बने हुए एक हफ्ता भी मुश्किल से ही हुआ है जी। और आप देख ही रहे हैं जैसे इनकी हालत है, मुझे लगता है कि इसमें तो और ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं जी। और इनको अब मतलब ये तो तरीका नहीं है बनाने का, इसीलिए वजह से मुझे लगता है कि इसको दोबारा बनवाना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए आज मैं PWD ऑफिस गई हूँ। आज तो छुट्टी का दिन था। हाँ, आज छुट्टी का दिन था, पर हमने अपॉइंटमेंट ली थी एक्सन सर से जी, और हम स्पेशल उनसे मिलने गए थे। किस प्रकार से क्या बातचीत रही? देखिए, जैसे सरकारी दफ्तर में जाते हैं आपको जो रिस्पांस कई बार मिलते हैं बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, पर जैसे कि मैं गई हूँ PWD ऑफिस में नारनौल, अभी वहीं से आ ही रही हूँ, और जो हमने यहाँ की पिक्चर्स दिखाई है जिस तरह से ये बनाए गए थे ब्रेकर, तो वहाँ से जो हमें एक्सन सर का रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही अच्छा था, इमीडिएट रिस्पॉन्स था। और उन्होंने बताया, उन्होंने आगे बातचीत करी जिन्होंने ये बनाए हैं, जिस तरह से JEE वगैरह से सबसे बात बात करी कि इस तरह से क्यों बने हैं, क्यों टूटे हैं ये इतनी जल्दी। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दबाजी मचा दी थी, तो मुझे लगता है कि लूप में आने के चक्कर में लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जल्दबाजी के काम ठीक नहीं होते हैं, इनको प्रॉपर प्रोसीजर से ही होने चाहिए। तो जैसे डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको उनके हिसाब से काम कर देना चाहिए था, करने देना चाहिए था, मुझे ये लगता है। तो अब की बार बनेंगे तो नहीं टूटेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। उसकी जो टेक्निक होती है प्रॉपर, वो फॉलो नहीं करनी दी गई है, तो जिस हिसाब से जो टेक्निक है उनको बताया गया है आगे, तो उसी हिसाब से अब ये बनेंगे। और मंडे को फॉर श्योर है कि इसको मैं दोबारा फॉलो अप लेंगे, तो मंडे या ट्यूसडे के बीच में दोबारा। मतलब लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी ऑफिसर्स को आप जीने नहीं दे रहे, कह रहे काम करने के लिए आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काम जब आप कहते हो आप समाज सेवक हो, तो आपका एक तो राइट है, क्योंकि हम अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं, तो हमारा राइट बनता है, और हमें अगर मौका मिलता है और लोग हमारी सुनवाई करते हैं तो क्यों नहीं करें। और अच्छा, आपने ये तो सुना आपने रोड के बारे में, एक बड़ा रोड है, स्टेट हाईवे कहा जाता है, उसके बारे में कोई बातचीत हुई क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी आज बात करके आई हूँ, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा है उनके साथ, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है उनसे हमें। हमें ये जानने को मिला है कि जो आपका स्टेट हाईवे जिसे हम बोलते हैं महेंद्रगढ़ टूवर्ड्स नारनौल जो जा रहा है, इसका वर्क भी जो है मंडे से पैचवर्क का स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं वहाँ भी एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, तो अगर ये पैचवर्क का भी काम अगर हो जाएगा तो काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। तो इस पर भी हम फॉलो अप ले ही रहे हैं रूटीन में, रोज़ कैसे होगा क्या होगा, तो मंडे से शायद इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा जो हमें सुनने को मिला है। जिस प्रकार से आज आप लोगों को, सरकारी जो वर्कर हैं उनको जीने नहीं दे रहे, काम के लिए छुट्टी वाले दिन बुला रहे हो, क्या ऐसा इलेक्शन जीतने के बाद भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए अब आप कह रहे हैं सरकारी अफसर को बुलाना, देखिए इन ह्यूमन वो भी मुझे लगता है अच्छे अफसर थे, तभी वो आ गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस PWD की तरफ से मिला है, तो मुझे लगता है कि हाँ आगे भी काम कराने के लिए मैं आ रही हूँ। तो अगर मैं अभी तो मैं कुछ बनी नहीं हूँ, तो बिना बने मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, तो आप सोचिए कि मैं अगर जब बन जाऊँगी, लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं लोगों के लिए आ रही हूँ, तो लोगों का ही मुझे काम कराना पड़ेगा। इस तरह के काम तो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे किसी को भी हानि ना पहुँचे, इससे काफ़ी लोगों को मदद होगी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उससे काफ़ी बचाव होगा। तो मुझे लगता है कि आगे तो मैं इससे ज़्यादा काम कर पाऊँगी, दुगना काम कर पाऊँगी अगर मुझे मौका मिल जाएगा तो। ऐसा थैंक यू मैम।